like mind says you don't do this thing, just go home, quit this, but no, it's training your mind. गाइस, स्वागत है सभी का एक नए ब्लॉग में। आज मैं बल्किंग टिप्स और अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करने वाला हूँ इस ब्लॉग में। सो इट्स रियली फन वीडियो। और अभी मैं शॉपिंग करने वाला हूँ, सो जल्दी से शॉपिंग करते और आपको मिलते हैं। सो ये गाइस, मैं शॉपिंग करके आ गया हूँ। सो इस वीडियो का स्टार्टिंग का जो मेरा मेन ये जो मकसद है, वॉन्ट टू शेयर यू डैट मैंने अपनी जर्नी तो कम्प्लीट कर ली। जब मैं बहुत पतला था तो मैंने कुछ हद तक वेट गेन कर लिया, लाइक अराउंड 10 kg मसल मास भी पुट ऑन किया, पर वो था 60 kg का मार्क। 60 kg का मार्क करने के बाद भी मैं 60 kg पर अटका हूँ ऑलमोस्ट 4-5 महीनों से। और वो मुझे काफ़ी रियलाइजेशन हुआ। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता है, आई एम रीडिंग दिस बुक कांट हर्ट मी। तो उसमें एक चैलेंज, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे 10 challenges है इस बुक में। सो मैं 10th challenge कल रीड कर रहा था, तो उसमें था कि हाउ कैन यू सी व्हाट यू फेल्ड इन। सो जो 10th challenge था उसमें ऐसा था कि आप किस चीज़ में फेलियर आपका हुआ है वो आप लिखिए, अब उस चीज़ को ब्रेक डाउन करिए कि उस फेलियर को सक्सेसफुल बनाने में आपको क्या करना पड़ेगा। सो इट्स ब्रीफ थिंग, यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल #challenge10 of can't hurt me book, तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर मैंने अपना फेलियर्स लिखे, कुछ दूसरे फेलियर्स भी थे, पर मैंने ये फेलियर लिखा कि मेरा जो वेट गेन है वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं भली कैलोरी सरप्लस में खा रहा हूँ पर वेट गेन क्यों नहीं हो रहा, 60 kg पे क्यों अटका हूँ, कभी कभी 59.5 क्यों हो जाता है। रियलाइजेशन हुआ, मैंने बुक में पूरा राइट डाउन किया। आई हैव बुक राइट नाउ विथ मी, दिस इज़ द बुक। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने गेनिंग वेट के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर मैंने एक डेडलाइन सेट की है ऑन अ डेट कि मुझे 2 kg कब तक गेन करना। मैंने एक डेडलाइन रखी है अपनी वेट गेन जर्नी के लिए, लाइक मुझे अभी 62 kg करना है वेट गेन, और उसकी डेडलाइन है January 28th तक। ये तारीख एग्जिस्ट करती है कि मुझे नहीं पता। 28 January तक मेरा 2 kg बढ़ जाना चाहिए, और उस समय कैसे अकम्प्लिश कर सकता हूँ, मैंने उस पूरी चीज़ को ब्रेक डाउन करके रखा है यहाँ पे। आई हैव रिटन सम ऑफ द पॉइंट्स, और उसमें मैंने ये भी लिखा है कि मैं कैलोरी सरप्लस में क्या नहीं कर रहा था, क्या और कौन सी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होंगे। अब शॉपिंग करने में आज क्यों गया, आज मैं शॉपिंग करने अचानक से इसलिए चला गया बिकॉज जो गोल मुझे अचीव करना है उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें अपडेट करनी थी। सो दिस आर माई टिप्स फॉर द पीपल हु वॉन्ट टू बल्क, जिन्हें अपना वेट गेन करना है उनके लिए स्पेशल टिप्स है। सबसे पहले, वेट गेन करने के लिए आपको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, पर वो खाना टेस्टी होगा तभी आप उसे ज़्यादा खा पाओगे। इसलिए मैंने नोटिस किया कि जो खाना मैं खा रहा था, जैसे ओट्स मुझे नहीं पसंद, सो उसे टेस्टी बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें पीनट बटर ऐड कर सकता हूँ, मैं उसमें बॉर्नविटा ऐड कर सकता हूँ, मैं उसमें बेरीज ऐड कर सकता हूँ, मैं वो लेके आ गया। सो दिस वॉज नंबर वन, मुझे फुल फैट वाला मिल्क पीना पड़ेगा। मैंने कल ही पिया तो मैंने देखा टेस्ट बहुत ही बद्दा, बहुत ही ख़राब, इसलिए मैंने बॉर्नविटा लाया ताकि मैं उसमें ऐड करके उसे पी सकूँ दिन में 1 glass या 2 glass। तो वो तो अपने खाने को टेस्टी बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे शॉपिंग करने जाना ही पड़ा। सो ऐसे बहुत सारे वर्कआउट में चेंजेस और बाकी सारे चेंजेस मैंने किए। जब मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो ये सारे पॉइंट्स आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं भली आपको एक क्लिप मतलब आप देख सकते हो, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, so you can relate what I'm saying. हमें खुद से अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जब हम अकाउंटेबल रहते हैं तो हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स जो रहते हैं उसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। टू बी दैट यू शुड वॉच डेविड गॉगिंस ऑन यूट्यूब, यू शुड रीड द बुक कांट हर्ट मी, जिसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए, तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। ये था मेरे वीडियो का स्टार्ट, होप आपको मजा आया होगा। सो वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना। मैन, अभी मैं जो टेरेस पे आ, मैंने देखा कि जो वेदर हो रहा है अभी, लाइक 6 PM बजने वाले थोड़ी देर में, वेदर पूरा कोल्ड हो चुका है। आज सुबह दिन भर बारिश आई थी, लाइक अराउंड फ्रॉम 12 AM टू 6 AM तक बारिश चल रही थी, पूरा वेदर चेंज हो गया, पूरा कोहरा, पूरा फॉग आ चुका है। जब मैं ऊपर आया तो माई एक्सप्रेशन वॉज टोटली लाइक ओ व्हाट द फक, कूल सीजन इज दिस, आई शो यू सम क्लिप्स ऑफ दिस। गाइस, ये कंडीशन है अराउंड 5:49। ये जो एरिया आप देख रहे हो जो पूरा वाइट वाइट है, यहाँ पे एक्चुअली माउंटेन्स है जो क्लियरली विजिबल रहते हैं, बट दे आर नॉट विजिबल नाउ बिकॉज ऑफ द फॉग।
हे गाइस, मेरा वर्कआउट हो चुका है एंड बाइसेप कर तक मुझे फील नहीं आ रहा था वर्कआउट करने का, बट आई रिमेम्बर द माई 40% रूल. लाइक माइंड सेज यू डोंट डू दिस थिंग, जस्ट गो होम, क्विट दिस, बट नो, दैट्स ट्रेनिंग योर माइंड. डूइंग वर्कआउट इज जस्ट कैलसिंग योर माइंड, कि दैट मेक्स योर माइंड स्ट्रॉन्गर. मुझे बाइसेप करने का मन नहीं हो रहा था, बट आई डिड दैट, जो मैंने शूट नहीं किया, पर मैंने और ज़्यादा किया है बाद में. Hey guys, ये था आज का वीडियो, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.